अलमंतशा रियलिटी लाया है एक बेहतरीन प्रोजेक्ट माउंटेन वैली, खुशगवार मौसम के साथ पहाड़ का खूबसूरत नजारा, माउंटेन वैली 7 मंजिला इमारतों का रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जिसमें 1-2 BHK फ्लैट अवेलेबल है, जहां आपको गार्डन, बच्चों के खेल की सुरक्षित जगह और मस्जिद मिलेगी। अलमंतशा का यह प्रोजेक्ट अस्पताल, स्कूल और मस्जिद के बेहद करीब है। यहां से ठाणे, नवी मुंबई, मीरा रोड आसानी से पहुंचा जा सकता है। माउंटेन वैली प्रोजेक्ट की ज्यादा जानकारी के लिए साइट ऑफिस विजिट करें या फिर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बाइक सवार दो मोबाइल स्नैचर 150 मीटर दूरी तक घसीटते ले गए महिला को उत्तरी पश्चिम दिल्ली की खौफनाक वारदात। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको उत्तरी पश्चिम दिल्ली के एक वारदात के सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे, जिससे आपको पता चलेगा कि यहां पर अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। और ये खौफनाक सीसीटीवी फुटेज देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वारदात है 16 दिसंबर शाम के समय की। उत्तरी पश्चिम दिल्ली में शालीमार बाग परिसर में यह वारदात हुई है। निजी अस्पताल में नर्स का काम करने वाली महिला घर लौट रही थी, उसी दौरान उसके पीछे से आए मोटरसाइकिल पर सवार दो बाइक सवारों में से पीछे बैठे सवार ने उसके हाथ का मोबाइल छीनने का प्रयास किया। उसी दौरान इस नर्स महिला ने उसका जैकेट पकड़ लिया, जैकेट इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि बाइक सवार बाइक दौड़ाता रहा, मगर 150 मीटर दूरी तक ये महिला नर्स भी उनके साथ घसीटते हुए चली गई। हालांकि हड़बड़ाहट में अपराधी बाइक सवार जो है वो गलत दिशा में बाइक को डाल करके भागने का प्रयास करता रहा और सीसीटीवी कैमरे की जद में आ गया। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और अब इसकी छानबीन की जा रही है। लेकिन दिल्ली में दिन ब दिन कानून के हालात कितने बिगड़ते जा रहे उसको दर्शाने के लिए ये वारदात काफी है। जबकि इस वारदात में ये नर्स महिला बुरी तरह से जख्मी हुई है और जैसे तैसे मोबाइल स्नैचिंग की वारदात करने आई ये दोनों बाइक सवार भागने में कामयाब रहे। अब पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन दोनों अपराधियों की खोज कर रही है। वहीं उत्तरी पश्चिम दिल्ली की पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी का दावा है कि जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।